वतन पर जाने निछावर करने वालों को सलाम। यादगार शहदा पर यौम दिफा की मुनासबत से नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत। मेहमान खसूसी चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो रोज़ा दौरा है उज़्बेकिस्तान। आर्मी चीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्सा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर दिफा के अलावा चेयरमैन सिक्योरिटी सर्विस और सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने बाहमी तरबीती तावुन और खुफिया मालूमात के तबादले में वसअत पर जोर दिया। उज़्बेक मुसल्ला अफवाज के तरबीती मयार तैयारी इलाकाई सलामती अमूर से आगाही को सराहा। उज़्बेक वज़ीर दिफा पहुँचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ताशकंद में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर भी चढ़ाई। फौज अपनी हदूद से मामूली सा भी तजावुज नहीं कर रही। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अब तक ऐसा नहीं लगा हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। फौज हुकूमत को हर इस मामले पर इनपुट देती है जो मांगते हैं। सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर मिलकर काम कर रहे हैं। चेयर लिफ्ट मामले पर रेस्क्यू करने का फैसला इनका था। इन्होंने सिविल मिलिट्री की बहस से हटकर बच्चों को बचाना जरूरी समझा। हमारी इदारा जाती सर्विस डिलीवरी की सलाहियत कम है। अगर कोई चाहता है फौज से मदद ना ली जाए तो इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। बेहतरी नहीं ला सकते तो कई सदियों तक फौज से मदद लेना पड़ेगी। मजीद कहा इलेक्शन का टाइम फ्रेम देना हुकूमत का काम नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहाई के वक्त परवेज़ इलाही के वकील अब्दुल रज़ाक भी साथ थे। कैपिटल पुलिस के मुताबिक परवेज़ इलाही को थाना CTD के मुकदमे 3/23 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना रमना की मदद में मुकदमा में दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। परवेज़ इलाही के 18 मार्च के जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तारी डाली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 8 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। कहा परवेज़ इलाही के खिलाफ जारी 3 MPO का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। परवेज़ इलाही किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी पर तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी। परवेज़ इलाही 12 सितम्बर को अदालत के सामने पेश हों। DC इस्लामाबाद 12 सितम्बर तक जवाब जमा कराएँ। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज़ इलाही को आज पेश करने का हुक्म। परवेज़ इलाही को हब से बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मिर्ज़ा वकास ने इस्तफसार किया किस अथॉरिटी के तहत परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद ले जाया गया। एडवोकेट जनरल ने बताया परवेज़ इलाही की नज़रबंदी का हुक्म मुअत्तल हो चुका। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नया हुक्म जारी नहीं कर रहे, पुराने पर भी अमल की बात कर रहे हैं। अगर किसी को पुराने हुक्मनामे पर एतराज़ है तो उसे चैलेंज करे। तरामीम केस शॉर्ट एंड स्वीट फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTA की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का केस का फैसला अपनी रिटायरमेंट से कबल ही सुनाने का ऐलान। रिमार्क्स ये, तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया। अब कानून में रियासी असासों की करप्शन, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली जैसे जुराम की ठोस वजाहत न होना मायूस कन है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ज़ेर इल्तवा तहकीकात और इंक्वायरीज तरामीम के बाद सर्द खाने की नज़र हो चुकी। अरबों रुपए के केसेस फ्रीज करके हाथ खड़े कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं पार्लियामेंट जो चाहे कर दे। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स ये, ऐसा नहीं है नैब से मुकदमात खत्म होकर मुलजिम घर चले जाएँ। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मीडिया से राबता रखने का अज़म। लंदन में सहाफ़ी के सवाल पर बोले मीडिया से राबता नहीं रखना तो फिर किसके साथ रखना है। मीडिया नून लीग से राबता रखे ना रखे वो ज़रूर रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में बच्चियों से मुलाकात की और उनका अहवाल पूछते रहे। बच्चियों ने कहा कि वो नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करती हैं, उनके और मरियम नवाज के लिए दुआ को हैं।
निगरान हुकूमत आइन की मुकम्मल पासदारी करेगी। वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं निगरान हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियार नहीं, अपने इख्तियार से तजावुज नहीं करना चाहेंगे। निगरान हुकूमत ने अपने किरदार से साबित करना है, कोई उसका फेवरेट नहीं। तमाम जमातों के लिए बराबर मौके यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर किसी को इम्तियाजी सलूक का शिकवा है तो इलेक्शन कमीशन या अदालत के पास जाए। परवेज़ इलाही को एक FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस को FIR के तहत गिरफ्तारी का इख्तियार है। कोई सियासतदान किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो तो वो सियासी कैदी नहीं होता। यौम दिफा के मौके पर शहदा के लवाहिकी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तारीख गवाह है, जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लबैक कहा। आप भी देखिए, इंडिया के साथ क्रॉस शेलिंग हो रही थी, एक शेल आया जो पीछे पहले वो किसी चीज़ पे लगा, वहाँ से रिवर्स होके फिर इसके बाजू में से क्रॉस हो गया। अगर अल्लाह ने बगैर मांगे उसको इतनी अच्छी शहादत की मौत दे दी तो हमें तो शुक्र करना चाहिए। बस ये जो दूरियाँ और जुदाइयाँ हैं इंशाल्लाह जरूर दोबारा मिलेंगे। बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने 15 साल मेरे साथ जिंदगी गुजारी। दूसरी बात यह है कि जब वो शहीद हुए हमारे ऊपर तो ऐसे था जैसे आसमान से पहाड़ टूटे। जब भी उनकी कॉल आती थी तो सबसे पहले मुझसे बात करते थे, और जब भी दोस्तों में बैठे या फिर ऐसे जब भी वो अपने फादर से बात करती हैं तो जब मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं तो एक आम सी माँ थी, अली ने मुझे शहीद की माँ बनाया, तो ये एक फ़ख्र भी बहुत है हमें, बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। मैं अल्लाह से भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसकी शहादत को आला दर्जों पे कबूल करे। आज़ादी लेने के लिए भी जाने देनी पड़ती हैं और आज़ादी रखने के लिए भी जाने देनी पड़ती हैं, और ये देनी चाहिए भी। वो ये नहीं है कि ये डेड एंड है, उसके बाद कितने हज़ारों बच्चे शहीद हुए हैं, वो भी उसी तरह माओं के सलमान हैं जैसे ये है। जब वो आबे हयात थे तो छुट्टी जाते थे और हमसे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे, तो ये एक फ़ख्र भी बहुत है हमें, बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। मैं अल्लाह से भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसकी शहादत को आला दर्जों पे कबूल करे। आज़ादी लेने के लिए भी जाने देनी पड़ती हैं और आज़ादी रखने के लिए भी जाने देनी पड़ती हैं, और ये देनी चाहिए भी। वो ये नहीं है कि ये डेड एंड है, उसके बाद कितने हज़ारों बच्चे शहीद हुए हैं, वो भी उसी तरह माओं के सलमान हैं जैसे ये है। जब वो आबे हयात थे तो छुट्टी जाते थे और हमसे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे।